भाई ये है ताजमहल, जो मेट्रो स्टेशन है ये उसका लुक है। ऊपर लुक देखो भाई, क्या जबरदस्त है, मतलब क्या भगवा रंग में सजाया गया है पूरा मेट्रो स्टेशन। भाई ये देखो व्यू, देखो इसका ताजमहल का, ये व्यू है मेट्रो से, क्या जबरदस्त व्यू है भाई मेट्रो से। ये देखो यहाँ पे और ज़्यादा व्यू जबरदस्त आया ताजमहल का, ये मेट्रो से दिखाई देता है ताजमहल, क्या जबरदस्त व्यू है भाई। अभी नहीं है थैंक यू भाई। भाई फर्स्ट डे ये मिला है हाइड एंड सीक का मिलानो पार्ले, और इस तरफ है ये आगरा मेट्रो में आपका स्वागत है। इसमें जो है ना ये पूरा का पूरा गाइड करने के लिए फर्स्ट डे दिया गया है। आज का जो है इसका फर्स्ट डे है इस मेट्रो का, क्योंकि कल जो है इसका उद्घाटन हुआ है, और आज इसमें जो पूरा पूरा रूट दिया गया है, इस पूरे रूट को बताया गया है कि हाँ भाई कहाँ से कहाँ तक ये चलेगा, और जिसमें किराया जो दिया गया है मेट्रो स्टेशन यहाँ से मिनिमम 10 रुपये, और जो मैक्सिमम 6 स्टेशन जो इसमें आज चले हैं वो हैं 20 रुपये मैक्सिमम इसमें। अभी चलते हैं प्लेटफॉर्म पर, जो एस्केलेटर्स हैं यहाँ, जो मेट्रो है ये अंडरग्राउंड है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई यात्रा में। फिलहाल अभी हम हैं मनकामेश्वर, जो मेट्रो स्टेशन कल जो उसका उद्घाटन हुआ है मेट्रो स्टेशन पे, ये है मनकामेश्वर जो मेट्रो स्टेशन है उसका प्लेटफॉर्म। आप पीछे साफ़ सफाई और मेंटेनेंस देख सकते हो, कल इसका जो है इनॉग्रेशन हुआ है हमारे पीएम और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी द्वारा, और आज हम आए हैं इसका फर्स्ट डे रन देखने के लिए भाई कैसी है आगरा मेट्रो। और आगरा में भी आपको अब सुनने को मिलेगा ताजमहल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज देखते हैं इसका रन कैसा होने वाला है। और ये जो यहाँ की जो मेट्रो है ये मनकामेश्वर, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ मनकामेश्वर जो मेट्रो स्टेशन जो नाम रखा गया है, इससे पहले जामा मस्जिद जो उसका नाम था, अब उसको बदल के मनकामेश्वर जो है कर दिया गया है। फिलहाल जो है 6 स्टेशन पर इसको मैक्सिमम इसका जो रूट है वो खोला गया है। इसके बाद फिर आगे जो भी फेजेस में जो कंप्लीट होंगे वो उसके बाद स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो है मनकामेश्वर से ये स्टार्ट की गई है। और ताजमहल आप इसमें आराम से घूम सकते हैं, जो यहाँ के लाल किला है उसमें आप आराम से घूम सकते हैं। तो इस रूट पे ये अभी खोली गई है, और ये जो रूट है वो है येलो लाइन का रूट। और फिलहाल जो है पीछे से मेट्रो आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो लुक है मेट्रो का। 3 कोचेस की जो है मेट्रो फिलहाल अभी चलाई गई है 6 स्टेशन पे, और 6 किलोमीटर के अंदर ये चलाई गई है। ये देखो भाई ये लुक देखो भाई साहब, क्या जबरदस्त है। ये अराइवल हो गया है मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन पर हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर। ये देखो चमचमाती हुई मेट्रो है, 3 कोचेज की ये मेट्रो है, और भाई अब इसके गेट खुलेंगे। ये गेट ओपन हो गए हैं मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन पर, अंदर से पूरी डेकोरेट की गई है ट्रेन। चलो अब देखते हैं फटाफट अंदर इसके कैसा लुक है अंदर इसमें, और करते हैं सफ़र ताजमहल तक का। ये है अंदर से इसका लुक, आपका स्वागत है। और भाई मेट्रो देखो क्या जबरदस्त सजाई गई है, मतलब जबरदस्त लग रही है भाई। अंदर से लुक जो है ना इसका बिल्कुल औसम है, मतलब फूलों से। ये देखो भाई फूल देखो, मतलब सजावट में तो कोई कमी नहीं छोड़ी है, कोई कमी सजावट में नहीं छोड़ी गई है। और जिसका डिस्प्ले बोर्ड है वो डिस्प्ले बोर्ड आपको दिखेगा। ये जो फिलहाल जो अभी जो चली है मनकामेश्वर से चली है, जिसमें कि ये 6 स्टॉप है, मनकामेश्वर आगरा फोर्ट ताजमहल 2 स्टॉप और आएंगे, और ये ताज ईस्ट गेट तक फिलहाल जो है रन की जा रही है मेट्रो। और उसके बाद ये जो फेज जो है इसमें स्टार्ट किए जाएंगे। इसका जो पूरा पूरा जो रूट है वो ये है जो ताज ईस्ट गेट से, और इसमें जो है एक स्टेशन का नाम भी चेंज किया गया है जो है शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता। उसके बाद ताजमहल आगरा फोर्ट मनकामेश्वर होते हुए ये आगे इसका पूरा रूट है जो सिकंदरा तक जाएगा। फिलहाल जो है डिपार्चर का टाइम हमारा हो रहा है यहाँ से,
मन कामेश्वर से। और भाई ये डिपार्चर, ये अंडरग्राउंड मेट्रो है। फिलहाल जो मन कामेश्वर चली है, इसके बाद ये शायद आगे नेक्स्ट स्टेशन चलाई जाएगी आगरा फोर्ट। ये मन कामेश्वर से जो चलाई गई है, ये चलाई गई है अंडरग्राउंड मेट्रो। ये अंडरग्राउंड चली है यहाँ से, और यहाँ का जो रूट है और भाई अंदर से जो मेट्रो सजाई गई है ना, वाकई में गजब है। हालांकि जो इसकी बात अगर मैं करूँ, ये बिल्कुल सेम है जैसे कि दिल्ली है, जयपुर है, लखनऊ है, हम जितनी मेट्रो में घूम के आए हैं लगभग सेम है। मेट्रो का फेस सारा सेम रहेगा, है ना, टिकटिंग सारा सिस्टम सब कुछ सेम है। लेकिन इनॉग्रेशन कल हुआ है इसका, जो कि हमारे पीएम, हमारे सीएम द्वारा किया गया है, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने कल वर्चुअली इसको इनॉग्रेट किया था। और हमारे जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, वो यहाँ पर उन्होंने आके स्पेशली इसको किया था। और ये नेक्स्ट हमारा जो स्टेशन है आगरा किला का है। और ये देखो भाई, स्टेशन देखो क्या सही चमक रहे हैं भाई। ये आगरा फोर्ट का जो प्लेटफॉर्म है वो है। और ये आगरा फोर्ट से हम डिपार्ट कर चुके हैं। क्या जबरदस्त है भाई। अब अगला स्टेशन जो है हमारा ताजमहल का है। तीन स्टेशन्स के लिए हमने किया था टिकट, और हमारी जो कॉस्टिंग पड़ी वो 15 रुपये की पड़ी। बाकी मैं आपको बताता हूँ, ये फिलहाल जो है अंडरग्राउंड चल रही है, ये पूरी पूरी जो टनल है। और ये अंदर से देखो भाई क्या जबरदस्त सजाया गया है। मतलब इनॉग्रेशन हुआ है तो भाई लगता है कि हाँ इनॉग्रेशन हुआ है किसी चीज़ का। सजावट में कहीं भी कोई कमी नहीं है। और अंदर से जो इसका लुक है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है भाई। सेटिंग बिल्कुल सेम ऐसी ज़बरदस्त तरीके से ये रूट और ये ट्रेन बनाई गई है। भाई ये है ताजमहल, जो मेट्रो स्टेशन है, ये उसका लुक है। ऊपर लुक देखो भाई क्या ज़बरदस्त है। मतलब क्या भगवा रंग में सजाया गया है पूरा मेट्रो स्टेशन। ये ताजमहल से निकलने के बाद अब ये बाहर आई है, और ये है बाहर से इसका लुक। बाहर का जो मेट्रो से जो बाहर का जो लुक है वो भाई ऐसा दिखता है। ये मेट्रो का जो फेज है वो अभी जो चल रहा है उस पर काम चल रहा है, तो इसलिए अभी ये कंप्लीट नहीं है। बाकी जो है ये ताज व्यू होटल, और भाई व्यू देखो यार, ये फतेहाबाद रोड जो प्लेटफॉर्म है, ये उस पर अराइवल। सारे प्लेटफॉर्म जो है भाई साहब बढ़िया तरीके से सजाए गए हैं अपने देश के तिरंगे से। भाई ये देखो व्यू, देखो इसका ताजमहल का, ये व्यू है मेट्रो से। क्या जबरदस्त व्यू है भाई मेट्रो से। मतलब पूरा जबरदस्त चमक रहा है भाई ताजमहल जो है। ये देखो क्या जबरदस्त व्यू है, ये मेट्रो से व्यू है। ये देखो यहाँ पे और ज़्यादा व्यू जबरदस्त आया ताजमहल का, ये मेट्रो से दिखाई देता है ताजमहल का। क्या जबरदस्त व्यू भाई। तो भाई फिलहाल अभी हम आ गए हैं शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता
मेट्रो स्टेशन पर इस प्लेटफॉर्म का भी जो है इस स्टेशन को जो है नाम चेंज किया गया है। और मैं आपको दिखाऊँ यहाँ का जो व्यू है इस प्लेटफॉर्म का, मेट्रो स्टेशन का, भाई साहब व्यू देखो, मतलब प्लेटफॉर्म का व्यू देखो, क्या बढ़िया सजाया गया है प्लेटफॉर्म। अब अगर मैं बात करूँ मेट्रो की, तो 3 कोचेज़ की मेट्रो है जो फ़िलहाल जो है अभी चलाई गई है आगरा के अंदर। और इसी मेट्रो से आप लाल किला हो या फिर जो यहाँ का ताजमहल है, आप आराम से घूम सकते हैं और आराम से विज़िट कर सकते हैं। अब अगर मैं टिकटिंग की बात करूँ, तो अगर आप आते हैं मनकावेश्वर जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ से ताजमहल देखने के लिए, तो आपको 15 रुपये पे करने पड़ेंगे पर पैसेंजर और पर यात्री। और आज मैंने पे किए हैं 15 रुपये। फ़िलहाल मैं एक प्लेटफॉर्म जो है आगे आ गया था बाहर का जो व्यू था वो दिखाने के लिए, मेट्रो से जो ताजमहल का जो व्यू है वो दिखाने के लिए कि बाहर से जो है मेट्रो का व्यू कैसे दिखता है। और फ़िलहाल मैं भी उतर रहा हूँ स्टेयर से नीचे और चलते हैं बाहर की तरफ। और कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसी लगी आपको आगरा की मेट्रो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो जो आगरा से हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उनको कैसा लगा कि भाई उनके शहर में नई मेट्रो का उद्घाटन हुआ है हमारे PM और हमारे CM के द्वारा। तो कैसे लगी आपको, और आपका जो एक्सपीरियंस है इस मेट्रो को लेके ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।